हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये वीडियो तो कमाल की होने वाली है। वीडियो है राम राम भाई साराना। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। क्या गुजराती में है क्या? ओ, सफाई कर रहे हैं मोदी जी। वाह, बाय गॉड, कहाँ पे? पता नहीं। देख लो, लोगों को समझाने के लिए हम हमारे पीएम को करना पड़ रहा है। पार क्या? उसमें ये स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा? वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा कर्तव्य है। वो स्वस्थ तभी हम स्वस्थ हैं। हमारे सोनीपत में गाँव में कैसा है लोगों का स्वच्छता का विश्वास कैसा है? अब थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं स्वच्छता की तरफ। हाँ, कितना गंद मचा हुआ है, कितनी शर्म की बात है। अंकित, आप फिजिकल एक्टिविटी के लिए कितना समय देते हैं? दिन में 4 से 5 घंटे। तो आपको भी देख के थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं कि आप भी इतनी एक्सरसाइज करते हो। मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जितना चाहिए। लेकिन मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। दो चीज़ों में मेरा अभी डिसिप्लिन नहीं आ रहा है। एक, खाने का टाइमिंग, और दूसरा, सोने के लिए थोड़ा मुझे समय देना चाहिए, मैं दे नहीं पा रहा हूँ। सोने के लिए टाइम को सुलाने के लिए आपको जागना पड़ता है। ये झाड़ू बड़ा अजीब सा उठा ही नहीं रहा कूड़ा। देखो, हिला ही नहीं पा रहा। सोशल मीडिया का कैसे पॉजिटिव उपयोग होता है, ये परफेक्ट एग्जांपल आपने दिया है। और मैंने देखा है कि आपके कारण काफी नौजवान भी मोदी जी के नेतृत्व से एक्सरसाइज हो रही है। और जो बड़ी बड़ी जिम में जाने वाले लोग थे, जिम की जगह ये काम कर लो, ये भी एक्सरसाइज ही है। आप वाली चीजों को फॉलो करते हैं। मोदी को बताना पड़ेगा, इस एज में करने की जरूरत नहीं है। एक सोशल मीडिया पोस्ट देखा था किसी बच्ची ने, मेरी माँ का जिम, ऐसा करके वीडियो रखा था। और उसमें मेरी माँ सुबह से शाम जो काम कर रही है, चक्की चलाती है, वो भी उसका जिम है, कपड़े धोती है, वो भी उसका जिम है। इतना इफेक्टिव बना है। हम आपसे मिलने का सपना था, वो G20 वाला सम्मेलन देखा, मतलब वो व्यवस्था देख कर, मतलब वो सब इंडिया में होते हुए देख कर, मतलब हर भारतीय ने बहुत गर्व हुआ है इस चीज पे। भाई आपने देखा होगा जो भारत मंडपम बना है, उसमें भी एक पूरा दीवार हमने योगा का बनाया है। और वहाँ भी QR कोड लगाया है कि कोई उसको मोबाइल पे ले लेगा तो उसको उस आसन का क्या फायदा होता है, कैसे कर रहा है, उसका पूरा डिटेल मिल जाता है। और आपने जो स्पोर्ट्स के लिए किया है, अगर मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन था, इंजरी के मारे थोड़ा सा दूर स्पोर्ट्स थे, और मतलब देखा करते कि आप जब मेडल आया था खुद पर्सनली फोन करा करते प्लेयर के पास, और आपने फिट इंडिया जैसी मुहिम चलाई, खेलो इंडिया, तो उससे खिलाड़ियों ने बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलने लग रहा है। आपका जो 75 डेज चैलेंज है उसमें क्या करते हैं? उसमें 5 रूल फॉलो करनी है। एक तो 2 टाइम वर्कआउट हो, उसमें 2 टाइम होना चाहिए, 2 टाइम होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, एक इंडोर हो एक आउटडोर हो, दोनों आउटडोर होते तो भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, 4 लीटर पानी, एक बुक पढ़नी है 10 पेज कोई भी बुक हो, उसमें मैं अपनी पुराण पढ़ने लग रहा हूँ। अच्छा, पहले श्रीमद भागवत गीता पढ़ी थी, एक शिव पुराण पढ़ने लगा। और चौथा रूल है उसका स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है। और चौथा बनी, एक सेल्फी लेनी है, प्रोग्रेस ट्रैक करनी थी। ये अच्छा है, इसके लिए एक स्वच्छता का संदेश, क्योंकि मैंने देखा है कि धीरे धीरे देश में स्वच्छता के लिए सबकी रुचि बन रही है। गुड,
परिवार में छोटे बच्चे भी अपने दादा को कहते हैं गंदा मत करो, सब वातावरण से भी। चलिए अंकित, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप, बहुत आगे बढ़िए। अरे वाह यार, ये तो बहुत ही बढ़िया था। मोदी जी देखो कि सबको कहते हैं ना जागृत करने के लिए कि स्वच्छ भारत रख लो, क्लीन इंडिया करो, वो देखो कितना मतलब कोशिश करने के लिए मिल रहे हैं लोगों से, उनको भी इनकरेज कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं बाकियों के लिए कि ऐसे क्लीन रखो, कि भैया क्लीन भारत सबसे इम्पोर्टेंट यही है, फर्स्ट चीज़ होनी चाहिए, सफाई इतनी होनी चाहिए कि एक भी कोई रैपर तक नहीं आपको ज़मीन पर मिले। तो अब आई होप कि पहले भी मोदी जी ने तो थोड़े पहले टाइम पे उन्होंने यही कोशिश की थी, तब बीच पे गए थे मुझे याद है, उन्होंने पूरा क्लीन किया था बीच को, अब वो फिर से उसको कर रहे हैं, बीच बीच में वो लोगों को ऐसे लगता है ना लोग फुस हो जाते होंगे तो उनको फिर से जगाने के लिए मोदी जी फिर कर रहे हैं। पर बहुत बहुत ही देखो, एक प्राइम मिनिस्टर आपको एक इतना अच्छा मैसेज दे रहा है कि अपने देश को साफ रखो, और ये सबको पता होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, पर मोदी जी ने देखा है कि भैया हमारे देश में इस बात को इम्पोर्टेंस देना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने किया, कितना अच्छा। मोदी जी लाइव एग्जांपल दिखा रहे हैं, वेरी नाइस। पार्क में गए, पार्क में कूड़ा था, क्लीन कर रहे हैं, कूड़े को क्लीन कर रहे हैं, और अपनी डिसिप्लिन के बारे में बातें कर रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज के बारे में बातें कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं उनको ज्यादा नींद नहीं सो पा रहे हैं। हाँ, इतना काम तो तब उस दूसरे ने कहा था कि आप इसलिए कम सो रहे हो ताकि इंडिया सो सके ना, आराम से चैन की नींद वो सो सके, तो उन सारा जो प्रेशर है वो आप लेके काम करते रहते हो, और देश जो है सुकून से सो रहा है कि हमारा देश जो है करेक्ट हाथ में है। बहुत ही प्यारा बनाया था, लाइव एग्जाम्पल दिखाया था, इस एज में भी आपको नजर नहीं आएगा कोई पीएम जो है इस तरीके से काम ना कर रहे हैं। बाबा हमसे तो मैं हूं ना बेंडो हूं, तो जब उठूंगी तो कमर में ही मोच आ गई। देखिए अच्छी बात यह है कि हर जगह पर जहां पर भी लोगों को अब गन नजर आएगा इमीडिएटली या तो खुद करेंगे क्लीन अप या बुलाएंगे नगर पालिका जो भी है उसको बुला के भाई साहब इसको क्लीन करिए थोड़ा, और देखेंगे कोई गन ना घेरे, बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट, जगह जगह ट्रैश कहना है जिसे वहां पे, स्वच्छता इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि वो ठीक है जो भी आपकी मतलब देश आपका जो भी लेवल है देश का, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, मगर गंद नहीं होना चाहिए, अगर गंद ना हो तो सब कुछ ग्रेट नजर आता है, बिल्कुल सच्ची बात। और ये रियलाइजेशन मोदी जी को वजह, वो जाते हैं बाहर देख के आते हैं बोलते हैं अरे वाह इतना क्लीन है, हमारा क्यों नहीं देश हो सकता, क्लीननेस में आपको कुछ नहीं लगता, सिर्फ ट्रैश कैन लेने अपना क्लीन करना है, दैट इज इट। नहीं, और अगर ट्रैश कैन नहीं भी है आपको ये एक्सक्यूज नहीं मिलता कि आप गंद रख फेंक दो, आपके पास अगर आपको वहाँ कहीं नहीं दिख रहा तो आप किसी लिफाफे में अपने हाथ में ही रखो, जब ट्रैश कैन कहीं मिले या आपको अपने कार गाड़ी में बैठो वहाँ पे कोई एक लिफाफा रख लो, उस लिफाफे में डाल लो, अपना हर एक इंडियन का इतना तो कर्तव्य होना चाहिए ना कि भैया आप खुद तो गन्ना फेंको। और देखिए इतना पता लगता है कि अगर जैसे हम लोग दूसरी सिटी से इस सिटी में आए थे, जब इस सिटी में हमने बहुत सारा ट्रैश देखा, इमीडिएटली आपको आइडिया आता है कि सिटी इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे तो मुझे तो अभी भी शॉक लगता है, मैं देखती हूँ जब गंद कि कहाँ कभी यहाँ सिटी में जहाँ रहते थे वहां से जब यहाँ पे आए थे गंद ज्यादा नजर आया था, हमें लगता क्या सिटी है, कूड़ा, पहला इंप्रेशन ये था सिटी, हमको तो ये नहीं समझ में आते लिफाफे उड़ के आ कहाँ से रहे, हम तो इतने हैरान। कंप्लेंट करने के बाद भी एक एक दो दो महीने बाद आके क्लियर करते थे, मैंने लगता पता नहीं क्या सिटी का चल रहा है इसका, यहाँ पे जो जितना गंद है ना वो मैंने पहले नहीं देखा यहाँ पे, तो और उससे क्या होता है सिटी गंदी लगती है, यहाँ पे भी वो सिटी गंदी लगती है, हमें लगता है हम कहाँ आ गए यार, हमने तो बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर, तो वही होता है। और अगर आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगे और चमकती धमक नहीं चाहिए, अगर आपने क्लीन रखा हुआ है ना उससे भी फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है बहुत अच्छा पड़ता है, उसी से इंडिया जो है ना हमारा चमक जाएगा। और वो जो दूसरे थे जिनको आप जिनके साथ मोदी जी थे, वो भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं कि आज के यूथ को क्या करना चाहिए, फिजिकल फिटनेस उसके बारे में भी बात की, देश के लिए अच्छे आप रोल मॉडल बनो, आप भी सफाई रखो, और इस टाइप के कुछ प्रोग्राम्स या कुछ इस टाइप की एक्टिविटीज़ बाकी यूथ या यंग जनरेशन को लेके, सबको मतलब अपने आसपास वालों को लेके क्लीनलीनेस का प्रोग्राम कर लो। जैसे अगर आप समझो आप किसी कॉलोनी में रह रहे हो, आप खुद लो ये और आप साथ में लोगों को इकट्ठा करो, बच्चों को करो, बूढ़ों को करो, और कहो कि आज हम यहाँ पूरे एरिया की सफाई करेंगे। और आप भी देखो कि अगर कोई गिरा कुछ फेंक रहा है, जैसे मूंगफली खा के कितना होता है लोग गिरा देते हैं वहां पे, आप खाने की जगह पे जाते हो चाट खा रहे हो तो चाट के जो वो होते हैं जिसपे चाट खाई जाते हैं वो प्लेट नीचे फेंक देते हैं, तो उसी टाइम उनको डांटो भैया ये क्या करो उठाओ इसको, तो एक बार ही बोलोगे दो बार अगली बार बंदे को खुद ही शर्म आ जाएगी, उसको बोलो तो अपने घर में यही करते हो क्या, हाँ, क्या
मैं बताती हूँ, हमारे फेंकते हो नीचे, हमारे घर के ऑपोजिट जो घर में थे वो क्या करते थे, ओल्ड थे तो हम इसलिए कुछ बोलते नहीं थे, पर वो क्या करते थे, सारा कूड़ा जो अपने आसपास बाहर गेट के पास होता था ना, उसको इकट्ठा झाड़ू मारकर उसके बाद अपना हाथ में लेते थे, और हाथ में लेके सड़क, उनका साइड यहाँ है, हमारी साइड यहाँ है, बीच में सड़क है, वो अंकल जी आते थे बीच सड़क पे आके, यूं चलते हुए आते थे और अपने हाथ से ऐसे लिया होता था और यूं ऐसे बस फेंक के चले जाते थे बीच सड़क पे। हम मैं कई बार ही देखा, मैं कहती हूँ ये अंकल जी करते क्या हैं, पर क्योंकि वो ओल्ड थे और इतना था तो बोल नहीं पाए थे, पर देखो ऐसा भी कईयों का सेटअप होता है, तो रोकेंगे तभी वो होगा ना, तो वही बात है, तो वो हमें चेंज करना है। पर मोदी जी इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, वो देश को के लिए छोटे से लेके हर बड़ी चीज के ऊपर फोकस्ड है, देख लो हर चीज पे, कहां वेपन्स बनवा रहे हैं, चंद्रयान भेज रहे हैं हम, और कहां हम मेक श्योर करें कि क्लीनलीनेस भी हो, अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो था। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।